shall be differentiating between fundamental and action research. And of course, we shall be differentiating on the basis of some identified parameters. The first parameter is objective. I shall not write the complete word, objective. So on the basis of objective, if we differentiate, the action research is for improvement in school and classroom teaching process. But the fundamental research is to contribute new knowledge in the form of new theory, law, principles and etc. No need to repeat, क्योंकि हम लोग पहले इसकी बात कर चुके हैं. So दूसरा हम on the basis of investigator, who will be the investigator? Action research में teacher, principal, inspector, administrator, etc. are the investigator. So far as the fundamental research is concerned, researcher, person specialized in the field, etc. वही लोग research करेंगे. यदि हम प्रॉब्लम के आधार पे डिफरेंस करें, तो प्रॉब्लम के आधार पे हम कह सकते हैं कि इन एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम इज नैरो, प्रैक्टिकल एंड लोकल. पहले भी हम लोग बात करते रहे. डिसाइडेड और सेलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, एक्सटर्नल अप्रूवल इज नॉट नीडेड. एक तो यह है कि ये नैरो होगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा जो डे टू डे के सॉल्यूशन से होगा, लोकल लेवल पे होगा, और ये इन्वेस्टिगेटर के द्वारा डिसाइड होगा. इसके इसके अप्रूवल के लिए किसी एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं होगी. सो फार एज फंडामेंटल रिसर्च एंड इट्स प्रॉब्लम इज कंसर्न, द प्रॉब्लम इज ब्रॉडर इन नेचर एंड नीड्स अप्रूवल बाय द इंस्टीट्यूशन और एजेंसी. जैसा कि आप जानते हैं कि इवन हम लोग प्रपोजल बनवाते हैं एमएड के डिजर्टेशन के लिए भी, कि वर्केबल है कि नहीं, डिस्कशन होता है, वर्कशॉप करते हैं, पीएचडी में देखते हैं डिपार्टमेंटल काउंसिल के बाद, फिर पीजीआरसी वगैरह जाके तब आपका टॉपिक. यदि आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो और उसका एक जो फंडिंग एजेंसी है वो उस पर आपको प्रपोजल लेके आगे बढ़ता है. अनदर पैरामीटर इज हाइपोथेसिस. सो इन एक्शन रिसर्च हाइपोथेसिस आर यूजुअली बेस्ड ऑन कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, जो टीचर के दिमाग में, हमने पहले ही कहा कि इंटेलिजेंट केस. इन फंडामेंटल रिसर्च हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम रेशनल. तो थोड़ा सा हमने वहां भी कहा था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्शन रिसर्च स्टेप्स की, तो हमने बताया था कि बेसिक चीज तो सेम होगी लेकिन सोफिस्टिकेशन में डिफरेंस होगा. Now on the basis of design, और हमने पहले ही कहा कि डिजाइन में बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको मेथोलॉजी कहते हैं, इसमें मेथड भी है, सैम्पलिंग टेक्निक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन एक्शन रिसर्च द डिजाइन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड इट कैन बी चेंज्ड एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर. एंड हु इज द रिसर्चर, पहले ही हम लोग कह चुके हैं वहां. इन फंडामेंटल रिसर्च द डिजाइन इज कंपैरेटिवली रिजिड एंड इट इन्वॉल्व्स मेथड, सैंपल, टूल्स, टेक्निक्स एक्सेट्रा. और एक चीज और यहां बता दें कि फंडामेंटल रिसर्च में भी यदि आपने पॉजिटिविस्ट पैराडाइम और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को लिया है तो उसका नेचर और रिग्रेस होगा, क्वालिटेटिव में थोड़ा कम होगा. और शुरू में बताया कि जो एक्शन रिसर्च की परिभाषा थी उसके डिस्कशन के क्रम में हमने आपको ये भी बताया था कि वहां से एक कंक्लूजन हम ड्रा कर सकते हैं कि ये जनरली हम लोग एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम लेके पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को फॉलो नहीं करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट डिजाइन. सो फार एज सैंपलिंग इज कंसर्न, हालांकि डिजाइन में सैंपलिंग भी है लेकिन यहाँ सैंपलिंग को हम लोग अलग से डिस्कस कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड. इन एक्शन रिसर्च यूजुअली स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल और क्लास आर सिलेक्टेड एज सैंपल. यूजुअली प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं. और जो इसीलिए हमने कहा कि जब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक को फॉलो नहीं करेंगे तो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम हम लोग नहीं एडॉप्ट कर रहे हैं. इसका मतलब इन फंडामेंटल रिसर्च द सैंपल हैज टू बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. वहां चूंकि लोकलाइज लेवल पे करते हैं तो उसी ग्रुप के लिए हमको डिसीजन लेना है. यहाँ हमको जनरलाइजेबिलिटी की तरफ जाना है, इसलिए प्रोबेबिलिटी भी लेना है और फिर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो जो पूरे
पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो सैंपल। बोथ प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स आर यूज्ड। ऐसा नहीं है कि सैंपलिंग टेक्निक एक्शन रिसर्च में, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च है उसमें सैंपलिंग होता ही नहीं है, लेकिन सर्वे रिसर्च में भी बहुत सारा ऐसा रिसर्च है, इथनोग्राफी वगैरह है या फिनोमेनोलॉजी है, इसमें डाटा कलेक्शन वगैरह होता है, लेकिन सैंपलिंग की जो टेक्निक है वो प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। सो इन फंडामेंटल रिसर्च बोथ प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक आर यूज्ड। इन्वेस्टिगेटर नीड्स साउंड नॉलेज ऑफ सैंपलिंग मेथड्स, क्योंकि ये सैंपलिंग टेक्निक लिए हैं तो ये काम नहीं कर सकते हैं, वो भी उससे जुड़ा हुआ है। द नेक्स्ट आवर पैरामीटर इज डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन। एंड सो फार एज द डाटा कलेक्शन इज कंसर्न, इन एक्शन रिसर्च ऑब्जर्वेशन एंड टीचर मेड टेस्ट आर यूज फॉर द डाटा कलेक्शन। इन फंडामेंटल रिसर्च यूजुअली स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर यूज फॉर डाटा कलेक्शन एज पर द नीड ऑफ द इन्वेस्टिगेटर टू मेनी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। एज पर नीड द इन्वेस्टिगेटर टू मे स्टैंडर्डाइज द टेस्ट, मतलब यदि स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है तो सहूलियत के अनुसार इन्वेस्टिगेटर भी कर सकता है, लेकिन जनरली स्टैंडर्डाइज टेस्ट इसमें इस्तेमाल होता है। सो डाटा एनालिसिस, इट इज डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस की यदि हम बात करें तो इन एक्शन रिसर्च सिंपल स्टैटिस्टिक्स लाइक परसेंटेज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, यहां हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, देयर इज ऑलरेडी देयर ए लेक्चर ऑन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यू कैन गो थ्रू ज्यादा जानना चाहते हैं तो मतलब यह है कि एक्शन रिसर्च में जो परसेंटेज है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और मुख्य तत्व सबको मिला के कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन फंडामेंटल रिसर्च बिसाइड्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन्फेरेंशियल एंड पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक भी आप पर भी लेक्चर है, उसको भी आप देख सकते हैं। इट नीड्स एक्सपर्टीज, मतलब इसमें थोड़ा सा डाटा एनालिसिस वगैरह में भी एक्सपर्टीज का होना जरूरी है। ऑफ कोर्स वी ड्रॉ कंक्लूजंस, सो इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन इफ वी डिफरेंशिएट, इन एक्शन रिसर्च कंक्लूजंस आर ड्रॉन अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर रेमेडियल मेजर्स। वही हमने कुछ एग्जांपल्स मॉडल लिए भी थे। इन फंडामेंटल रिसर्च द कंक्लूजंस आर इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइजेशन, मतलब हमारा मेजर पर्पस है जनरलाइजिलिटी के लिए, उसी से रूल बनता है, प्रिंसिपल बनता है, मतलब जनरलाइजेशन जरूरी है और इसीलिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सो फार एज द अदर पैरामीटर दैट इज इवैल्यूएशन इज कंसर्न, इन एक्शन रिसर्च रिपोर्ट इज बीइंग इवैल्यूएटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, नो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड, मतलब बाहर थीसिस नहीं जाती, टीचर ही और ज्यादा से ज्यादा अपने पीर से वो लोग सजेशन लेगा, तो रिपोर्ट जो आया उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, पर्पस भी नहीं है उसको कि आगे तक ले जाए। इन फंडामेंटल रिसर्च ए पैनल ऑफ एग्जामिनर्स इज अपॉइंटेड टू इवैल्यूएट, आपकी थीसिस दो जगह जाती है, डिजर्टेशन की भी परीक्षा के लिए, हमें डिजर्टेशन की परीक्षा के लिए भी हम लोग एग्जामिनर को बुलाते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं कि कैसे हाइपोथेसिस बनाया और लाइक दैट, और उस इंटरनल एग्जामिनर तो जो आप सुपरवाइजर हैं वो तो साथ साथ शुरू में काम किए ही हैं। इन फंडामेंटल रिसर्च ए पैनल ऑफ एग्जामिनर्स इज अपॉइंटेड टू इवैल्यूएट, इट मे बी अप्रूव्ड रिवाइज्ड और रिजेक्टेड, मतलब उसका जो रिपोर्ट है उसको अप्रूवल का भी कहा जा सकता है कि ये अप्रूव्ड है, और उसको रिवाइज और रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ए डिग्री लाइक पीएचडी इज अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन। डिजर्टेशन में तो हम लोग मार्क्स कम अधिक कर सकते हैं, लेकिन पीएचडी में तो यदि थीसिस है तो करेक्शन वगैरह भी हो जाता है। सो दिस इज रिगार्डिंग इवैल्यूएशन। द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज फाइनेंस। इन जनरल इन एक्शन रिसर्च यूजुअली रिसर्च वर्क इज बीइंग फाइनेंस्ड बाय द स्कूल और द इन्वेस्टिगेटर मैनेजेस एज हिज हर ओन, और कुछ फंडिंग एजेंसी है, यहां मैं सिर्फ एनसीईआरटी को कोट कर रहा हूं, एनसीईआरटी ऑल्सो फाइनेंसेस सच प्रोजेक्ट्स अलोंग विद सम अदर एजेंसीज, इट नीड्स कंपैरेटिवली
मीगर अमाउंट, कम अमाउंट चाहिए इसमें, क्योंकि तो काम भी छोटा है। इन फंडामेंटल रिसर्च इज बीइंग फिनांस्ड बाय मेनी एजेंसीज लाइक यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएसएसआर एक्सेट्रा। रिसर्च प्रोजेक्ट्स अंडर माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड कंपैरेटिवली बिगर अमाउंट। एक तो मेजर होगा तो बहुत बड़ा हो गया, माइनर भी है तो एक्शन रिसर्च की फंडिंग की तुलना में वो ज्यादा फंडिंग होगी। तो एक तो अपने लेवल पे कर लेंगे एक्शन रिसर्च, और यदि फंड कराने के लिए तो कुछ एजेंसी है जो फंड करती है लेकिन अमाउंट कम होगा। लेकिन एक्शन रिसर्च की जगह पर यदि फंडामेंटल रिसर्च है तो माइनर प्रोजेक्ट भी है, मेजर प्रोजेक्ट भी है, और उसकी फंडिंग में कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द वर्क, साइंस में थोड़ा ज़्यादा होता है तो अमाउंट भी ज़्यादा मिलेगा। और आप चाहें तो रिसर्च प्रपोजल जो एक लेक्चर है मेरा, उसके लास्ट पार्ट में हमने फंडिंग पे फोकस किया है, तो वहाँ से और ज़्यादा जानकारी आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पैरामीटर इज स्कोप। स्कोप का मतलब क्षेत्र, एरिया। स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च इज लिमिटेड, नैरो एंड लोकलाइज्ड। क्लियर है। स्कोप ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज एक्सटेंडेड, ब्रॉडर एंड इंटरनेशनल, क्योंकि यह जनरलाइजेबिलिटी की बात करता है। नेक्स्ट पारा मीटर इज ट्रेन, मतलब ट्रेनिंग जो रिसर्चर है उसकी तरफ। फॉर एक्शन रिसर्च ट्रेन टीचर्स आर प्रोवाइडेड सपोर्ट टू कंडक्ट एक्शन रिसर्च, एनसीईआरटी एक्सेट्रा ऑर्गेनाइजेस वर्कशॉप टू ट्रेन। मतलब ये रिसर्च चूंकि एक प्रोसेस है, उसके स्टेप्स को तो जानना ही होगा ना, और इतनी ट्रेनिंग जब तक नहीं है तो टीचर रिसर्च नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत रिग्रस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स लर्न रिसर्च मेथोलॉजी थ्रू देयर करिकुलम टू अंडरटेक रिसर्च वर्क, जैसे एग्जाम्पल है एमएड पीएचडी एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। अभी हमने बताया कि उसके तो अब तो कोर्स वर्क वगैरह से जाना पड़ता है स्टूडेंट को, तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग। एमएड में भी रिसर्च प्रपोजल जमा कीजिए, एमएड डिजर्टेशन के क्लासेस होते हैं, उसमें डिस्कशन होता है, फिर आगे काम बढ़ता है, तो वहाँ भी ट्रेनिंग का स्कोप ज़्यादा है। लेकिन यहाँ कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है, यदि आप चाहते हैं तो किसी के सपोर्ट ले सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन इन एवरी केस रिसर्च का चूंकि एक प्रोसेस है तो वहां भी जानना होगा। ऑब्वियस है कि यहां ट्रेनिंग का नेचर थोड़ा रिग्रेस है फंडामेंटल रिसर्च में, और एक्शन रिसर्च में नहीं है। आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट इज पैरामीटर इज ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ एक्शन रिसर्च इज ड्यू टू सोशल साइंसेस, ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज ड्यू टू प्योर साइंसेस। मतलब इशारा यह कर रहा है कि सोशल साइंस तो बाद में आया जो ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम की तरफ इशारा कर रहा है, और ये प्योर साइंसेस का मतलब है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की तरफ इशारा कर रहा है। और एक एग्जांपल हमने कहा भी था कि हम एक एग्जांपल लेंगे, और एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि क्या क्या आएगा उस फंडामेंटल रिसर्च के एग्जाम्पल में, और क्या क्या डिफिकल्टी इन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स यहां हमने ले लिया, प्रोनंसिएशन इन लैंग्वेज, पुअर अटेंडेंस, प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी एक्सेट्रा मे बी चूजन एज रिसर्च प्रॉब्लम्स फॉर एक्शन रिसर्च। ठीक है, क्लियर है। लर्निंग डिसेबिलिटी, क्रिएटिविटी, ट्राइबल इशूज, टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। और ये तो इतना ज्यादा है कि इतना लेना बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन हम ज्यादा एग्जाम्पल लेना भी तो संभव नहीं है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्यों है, लर्निंग डिसेबिलिटी उस पर और बहुत सारे तरह के काम हो सकते हैं, क्रिएटिविटी, ट्राइबल इशूज, टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्सेट्रा मे बी चूजन है रिसर्च प्रॉब्लम्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। एंड द लास्ट पॉइंट विच वी हैव टेकन, यहां हमने क्या लिया था एग्जाम्पल्स, और द लास्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंस, जो हमने इस पर डिस्कस भी किया था, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस फंडामेंटल एक्शन रिसर्च की बात की थी। एक्शन रिसर्च इज इंपॉर्टेंट टू सोल्व लोकल लेवल प्रॉब्लम्स, फंडामेंटल रिसर्च इज मोर यूजफुल टू आंसर बेसिक क्वेश्चंस एंड एड इन द फंड ऑफ नॉलेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस, बट दीज 16 पैरामीटर्स आर नॉट इनफ, यू कैन हैव योर ओन पैरामीटर, यू कैन आइडेंटिफाई योर ओन पैरामीटर, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड
द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च, यू कैन फर्दर टेक सम पैरामीटर्स टू डिफरेंशिएट देम। एज दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, सो एट द एंड वी शैल say that this action research is also important and especially for the teacher. Since we are teacher educators, many of our students are working as a teacher in the field. So, and I also put more focus on the researching skill. So through this lecture, I do appeal to our students to go through action research, and if they send their research proposals to NCERT and similar agencies, it can be funded. So if they undertake action research to solve the school problems, it will be a help, and the purpose of the lecture will be more fulfilled. So this is all about the lecture, the central concept of all the lecture was action research, and in this part we have differentiated between fundamental and action research. Thank you very much.